Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of news articles for discussion. The first article that we'll be discussing is about the term. Center is absent in the Constitution as the Constituent Assembly did not want to centralize power. This is in news because recently Tamil Nadu ki jo government hai, usne ye decide kara hai ki wo term central government nahi use karegi aur uski jagah जो टर्म यूज़ करेगी वो है यूनियन गवर्नमेंट. इट्स अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स रिगेनिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वी नो दैट द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट ये बोलती है कि हमें इंडिया से अलग होना है, वो नहीं हो सकती बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था दैट द यूनियन इज नीदर अ लीग ऑफ स्टेट्स नॉर आर द स्टेट्स द एजेंसीज ऑफ द यूनियन. बोथ यूनियन एंड स्टेट्स दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है और दोनों जो अपनी अथॉरिटी हैं दे ड्राइव इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो पावर शेयरिंग की बात होती है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. हमारे जो तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है और जुडिशियल ऑर्गन होता है. और हमारी जुडिशरी को भी इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है दैट द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द टॉलेस्ट कोर्ट इन द कंट्री हैज़ नो सुपरिंटेंडेंस ओवर द हाई कोर्ट्स. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन है, दैट मीन्स जो अपील्स होती हैं वो हाई कोर्ट से कहाँ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं. द हाई कोर्ट्स हैव वाइडर पावर्स टू इशू prerogative writs despite having the power of superintendence over the district and the subordinate courts. जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है सिर्फ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्मेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पज. सो द रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स हैव अ वाइडर स्कोप देन द स्कोप ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ यूनिफाइंग इफेक्ट बिकॉज जो मैसेज जाता है वो यही जाता है इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट ऑफ एवरीवन. अब कानून में जो लिखना है लिख लो, जो बातें करनी है कर लो, लेकिन जो रियलिटी में बात बनती है वो तो उन्हीं से बनती है ना जो पावर में होते हैं. इन द कॉन्शियस ऑफ मैन इन पावर, जो पावर में होते हैं उनकी कॉन्शियस क्या कहती है रियलिटी में वही होता है. हमारी जो गवर्नमेंट है इट्स अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इट हैज़ यूनिटरी फीचर्स इन इट विच इज़ नॉन फेडरल फीचर्स. सभी फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन हमारी गवर्नमेंट में है, जैसे टू गवर्नमेंट्स हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको अब यूनियन गवर्नमेंट बोलने की बात की जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं. उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, जो हमारी स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बायकैमरलिज्म. और उसके बाद जो यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रॉन्ग यूनियन, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, emergency provisions and so on. और ये term federation ये भी कहीं भी constitution में इसको use नहीं किया गया है. So these are the salient features of the constitution. ये exam में आते हैं, that's the reason we are discussing here. So article 1 जैसे कि हमने पहले discuss करा, it describes India as a union of states which implies two things. पहला ये कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द स्टेट्स एंड सेकंड नो स्टेट हैज़ द राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन. जो इंडियन फेडरेशन है इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द स्टेट, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. और सेकंड अगर कोई स्टेट इंडिया से अलग होना चाहे वो नहीं हो सकती. और हम ये भी देखते हैं कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में when they come into action the political system transforms from federal to unitary and this is a unique feature of our constitution.
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूशंस में से कुछ कुछ बोरो करके बनाया गया है. आई एम कन्विंस्ड दैट वी हैव द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इफ वी लुक एट द एमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 एंड आर्टिकल 360, दे डील विद द एमरजेंसी प्रोविजंस. जो 352 है, इट्स फॉर नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. जो 356 है, इट डील्स विद स्टेट इमरजेंसी, दैट्स द प्रेसिडेंट रूल ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स. अब जैसे रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पे डिमांड कर दी गई थी कि जो स्टेट मशीनरी है वो फेल हो गई है, प्रेसिडेंट रूल को लागू कर देना चाहिए. जैसे महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, वेस्ट बंगाल में भी ऐसा देखने को मिला, कर्नाटका में भी ऐसे देखने को मिला, और जे एंड के में तो कब से ये इशू चल ही रहा है. और उसके बाद जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इट इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 360 इसमें डील करता है. ये प्लीज़ नोट दिस पॉइंट दैट इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू नहीं किया गया है. सो वी आर गुड इन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वी हैंडल अवर क्रेडिट वेरी इफेक्टिवली. एंड प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज दिस विद द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1990s. वी वर सक्सेसफुली एबल टू टाइड ओवर दोज क्राइसिस एंड वी आर इन अ गुड पोजिशन राइट नाउ. एंड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इन टू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर. जैसा कि हमने पहले भी कहा, इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ती हमें. जब इमरजेंसी प्रोविजंस इन्फोर्स होते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा वो एक यूनिटरी बन जाता है. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स को लेके बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, उनको हमने तीन लिस्ट में डिवाइड कर रखा है. The first list is the union list, the second list is the state list, and the third list is the concurrent list. और ये कौन सा schedule deal करता है? इसमें seventh schedule of the constitution. हमारे 12 schedules हैं, उनमें से जो seventh schedule है, it deals with the distribution of legislative powers between the union and the states. इसकी origin क्या है? जैसे for example, Government of India Act 1935, और जितने भी ये हम polity के related topics पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पे एक नई सीरीज आने वाली है बहुत ही जल्दी, एंड देयर विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल कॉम्प्रिहेंसिवली एंड विल हैव अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन ओवर देयर. सो स्टे ट्यून्ड, विल बी कमिंग विद द सीरीज वेरी सून. जो यूनियन लिस्ट है, इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू दीज आइटम्स. और स्टेट लिस्ट में 59 है, ओरिजिनली 66 थे. एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू दीज आइटम्स. और कॉन्करेंट लिस्ट में वो हैं जो कि जॉइंट डोमेन है यूनियन एज वेल एज द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द 17 सेलियंट फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली इन अ सेपरेट मॉड्यूल विच विल बी पब्लिश्ड सून. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. So today we discuss this topic because of this recent Tamil Nadu government's decision to shun the usage of the term central government. Because if you are a student of polity और आप इस चीज़ को ढूंढने जाओ कि term central government कहाँ use की गई है, तो आपको constitution में कहीं भी नहीं मिलेगी. इसके जो 395 articles हैं या 22 parts हैं या originally जो 8 schedules थे, उनमें कहीं नहीं मिलेगी. And it's being advised that we use the term union government instead of central government. So let's have a look at these questions here. The first question says, in India, separation of judiciary from the executive is enjoined by, and it's by a directive principle of the state policy. Part 4 of the constitution, articles 36 to 51, they deal with the directive principles of the state policy. We'll be covering them comprehensively in another module, जो पॉलिटी की सीरीज आने वाली हैं. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. द सेकेंड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. प्लीज फोकस है दैट द टर्म नॉट इज यूज्ड हियर. तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा फीचर नहीं है? सो इफ वी गो थ्रू दीज ऑप्शंस, देर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, इट इज करेक्ट, है.
पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, या वी हैव सीन है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ये भी सही है. इट्स अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव सीन देयर दैट इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो द ऑप्शन इज डी हेयर. Next question, the Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by. So we know the Rajya Sabha deals with the state matters. Therefore, Rajya Sabha by a majority of not less than 2/3 of its members present and voting. So we'll be covering all these topics comprehensively in another module as well, जहाँ पे पॉलिटिक की सीरीज शुरू होने वाली हैं. सो पूरे टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और हिस्ट्री की सीरीज़ भी बहुत जल्दी आने वाली हैं. हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की सीरीज़ भी बहुत जल्दी आने वाली हैं और हो सकता है इकोनॉमी की भी आ जाएँ, इन्वायरमेंट की तो अभी आएंगी. तो पूरा GS का सिलेबस अलग अलग सीरीज़ में आने वाला है. सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आई एम सेइंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ओके. Thank you so much. This is up for the day, and I'll see you tomorrow with another set of articles. Stay tuned and have a good day. Take care.